सरहद पर चीन के साथ तनातनी के बीच देश में सियासत भी सुलग गई है। राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। आरोप ये कि सरकार जानकारी साझा नहीं कर रही है, तो सरकार की ओर से सामने आई है बात कि सवाल उठाने का ये सही वक्त नहीं है। सरहद पर दबाव बनाने का चीन का दाव पुराना है, पर जब चीन की फौज के सामने हमारी फौज खड़ी हुई तो धौंस दिखाने वाले बात करने लगे। लेकिन सीमा पर गतिरोध के बीच विपक्ष सरकार पर देश के लोगों को अंधेरे में रखने का आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने रविवार को अमित शाह की टिप्पणी पर शायराना अंदाज में ट्वीट किया था, जिसका जवाब राजनाथ सिंह ने भी शेर लिखकर ही दिया। राजनाथ के जवाब पर राहुल ने फिर सीधे सवाल पूछे, क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया? इस सवाल जवाब के बीच लद्दाख के बीजेपी सांसद भी कूद पड़े। जामयांग सेरिंग नामग्याल ने लिखा, कांग्रेस सरकार के वक्त ही चीन ने इस इलाके में कब्जा किया था। टू के वार में जो अक्साई चीन 37,244 किलोमीटर जो है अक्साई चीन, जिसको मैं चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख या चाइनीज ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटोरी कहता हूँ, वो किया। उसके बाद भी चाइना का एक पॉलिसी ये रहा है, चाइना के नोमेड्स को आगे करके पीएलए उसके पीछे पीछे आके हमारे लोगों के चरागाह को, पश्चल लैंड को इंच बाय इंच उन्होंने कब्जा करते किया है पिछले कुछ साल तक। लद्दाख के सांसद के हमले के बाद राहुल ने फिर निशाना साधा और इस ट्वीट में सीधे प्रधानमंत्री की घेराबंदी की। पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए लिखा, चीनी घुसाए और लद्दाख में हमारी जमीन कब्जा कर ली। इस बीच पीएम बिल्कुल चुप हैं और सीन से गायब हो गए हैं। रक्षा मंत्री ने जवाब संसद में देने की बात कही, लेकिन राहुल का जवाब देने कानून मंत्री पहुंचे, पहले नसीहत दी फिर हमला किया। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? हम देश हर के साथ सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकालते हैं और निकालेंगे। राहुल गांधी जी, कृपया कर करके आप थोड़ा सा इन चीजों को सीखिए। राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार विपक्ष को भरोसे में नहीं ले रही। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सही जानकारी सामने रखने की विपक्ष मांग कर रहा है, लेकिन सरकार सही वक्त पर जवाब देने की बात कर रही है। चीन के साथ एक मोर्चा सीमा पर खुला हुआ था, जिसको सुलझाने का दावा किया जा रहा है। बेशक चीन के साथ यह विवाद सुलझा लिया गया हो, लेकिन देश के भीतर भी चीन को लेकर ही सियासी दलों के बीच एक मोर्चा खुला हुआ है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंगल, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।